आवाज़ आ रहा है? चलो बिल्कुल ठीक। तो आज आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मज़ा करने का बात यह कि जो हमने सेमेस्टर टू के लिए कोर थ्री में जो बताए थे क्वेश्चन, और काफ़ी सारा क्वेश्चन इसमें हिट कर गया था, और हम उस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन ने हिट किया था, एंड जो हम बहुत सारे क्वेश्चन पर भी डिस्कस किए थे जो उस क्वेश्चन आ भी गया, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ईजी भी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ईजी था। आप सबों के लिए जो क्वेश्चन आज का रहा, 16 तारीख का जो आज एग्ज़ाम हुआ सेशन 20 से 23 तक, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था और क्वेश्चन बहुत एकदम पूरा ईजी था। देखो, हम जो ऑप्शन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर भी हम बताएंगे कुछ थोड़ी देर में, उसके बाद में हम देख क्वेश्चन पर भी देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने बताए थे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था दूसरा नंबर का जो डायरेक्ट हिट किया है, पूछा गया कि डिस्कस द फॉर्मेशन टाइप्स शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी टू। आने आपको क्वेश्चन 3 दिया गया, कार्बोकैटायन दिया गया है, दूसरा में फ्री रेडिकल, और तीसरा में कार्बिन दिया गया है। तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन पर डिस्कस करना है, उसका क्या क्या करना था कि फॉर्मेशन इसका कैसे बनता है उसको भी दिखाना था, जो आप दिखा दिए होंगे, टाइप्स इसका क्या होता है आप दिखा दिए होंगे, उस तरह से शेप क्या होता है उसको भी बना दिए होंगे, स्टेबिलिटी कैसे किधर से जाने पर क्या होता है, माइनस इफेक्ट लगने पर, प्लस आई इफेक्ट लगने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगने पर, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप लगने पर क्या होता है नहीं होता है, तो इसको आपको इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला गया था, जो आप सब अच्छी तरह से कर दिए होंगे। तो इसमें पूछा है कि डिस्कस द फॉर्मेशन टाइप शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी टू यानी कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, इसके बारे में हमने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन का डायरेक्ट हिट किया हुआ क्वेश्चन के कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के बारे में, जो हमने आप सबों को पढ़ने के लिए बोला था। और सेमेस्टर 2 का जो कोर 4 होगा 18 तारीख को, उस पर भी हम क्वेश्चन बहुत सारे लेकर के आए, तो आप यदि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब हम इसमें बात कर लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोकैटायन का क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल का क्या होता है, इस पर भी आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, डिस्कस द रूल असाइन फॉर योर जेड कॉन्फ़िगरेशन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में योर जेड का जो नाम लिखा जाता है किसके तहत, यू और जेड के तहत, और उस नेम को कैसे लिखा जाता है, इस क्वेश्चन पर भी हमने डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन आ भी गया, और हमने अभी बोला था ई जेड के साथ साथ आरएस नेमिंग पढ़ने बोले थे, आरएस नेमिंग के साथ साथ सीएपी रूल भी पढ़ने बोले थे, सैन एंटी बोले थे पढ़ने के लिए, जो क्वेश्चन आ भी गया, और उससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगला सेमेस्टर के लिए भी हम सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, आप सब वेलकम केमिस्ट्री के साथ हमेशा बने रहें। अगला क्वेश्चन में दिया गया, डिस्कस 3 मेथड फॉर रेजुलेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है उसी के बारे में डिस्कस करने बोला, उसका 3 मेथड को डिस्कस करने बोला, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, इस क्वेश्चन पर भी हमने डिस्कस किए थे और क्वेश्चन आ भी गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग, यानी इनमें से आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखना, जो आपको क्वेश्चन में 5 दिया गया है। पहला में दिया गया है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ किसका, एल्केन का। दूसरा में दिया गया ऊर्ज रिएक्शन। थर्ड नंबर में दिया गया डी कार्बोजिलेशन ऑफ सोडियम एल्कोनाइट। फोर्थ नंबर में दिया गया कोरे हाउस सैंथेसाइस ऑफ एल्केन। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, आप सब नेमिंग रिएक्शन पहले से भी पढ़े होंगे, क्लास 12th में जब होंगे तो वहाँ पर भी इस सब के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा इजी दिया गया था इस बार। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन को हम शायद 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन खैर हम इसको नेगलेक्ट कर दिए थे, लेकिन क्वेश्चन आ भी गया। और जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम बताए थे उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन फ्रॉम द फ्लविंग सेट ऑफ ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोनोलाइसिस के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है और किस प्रकार का बनता है, इस पर भी हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ने के लिए बोला था, उस पर भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन में दिया गया स्टेट एंड एक्सप्लेन परऑक्साइड इफेक्ट ऑफ क्रॉस इफेक्ट, यानी इस क्वेश्चन पर भी हमने डिस्कस किया था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मार्कोवनिक ऑफ्स यानी मार्कोवनिक पढ़ना था, उसके बाद क्या पढ़ना था आपको एंटी मार्कोवनिक, उसके बाद जो क्वेश्चन आता हुआ क्या आता है क्रॉस आ जाता है, तो इस पर भी हमने इससे पता चलता है क्रॉस रूल से पता चलता है। दूसरा सेट जेफ रूल था, उस पर भी डिस्कस किए थे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर प्रोडक्ट पता किया जाता है, और मेजर प्रोडक्ट पर भी क्वेश्चन था। इसमें जो सेम टू के लिए जो कोर थ्री था
उस क्वेश्चन पर हमने जो डिस्कस किए थे उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन पर भी हम आपको जो बना है दिया गया था उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे कुछ देर में। तब तक आप सब भली बात इस वीडियो को देखें। अगला दिया गया है एक्सप्लेन होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक फिशन बाय गिवन सूटेबल एग्जांपल। देखो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं कि होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक जो पूछा गया था और आपको क्वेश्चन कहाँ से मिला था जब हम बता रहे थे फ्री रेडिकल, उस समय भी जो क्वेश्चन पूछा गया था और फ्री रेडिकल का जो टाइप्स होता है वह क्या होता है। फ्री रेडिकल में जब आप पढ़ेंगे कार्बोकेटायन जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले जो था यानी होमोलैटिक फिशन हेट्रोलैटिक फिशन क्या होता है उस पर भी हमने जो डिस्कस किए थे पूरा क्वेश्चन आपको भेज गया। आप क्वेश्चन छाप दिए होंगे अच्छी तरह से हमें उम्मीद है। लास्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया, 8 नंबर का क्वेश्चन दिया था। अन्य 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना था जिसमें 1 क्वेश्चन कंपलसरी था। अगला अब हम देखते हैं जो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। तब तक इसमें हम देख लेते जो बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 के लिए जो कोर 4 है उसका जो एग्ज़ाम होगा उस पर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया डिफाइन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या करना है आपको, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है जो मास और साइज पर क्या करता है डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, समझते जाना। दस प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द किसका सिस्टम का। दस प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और मास ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया डिस्क्राइब स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड क्या बोला कि डिस्क्राइब स्टेट एंड पाथ फंक्शन। इसका एग्जाम्पल भी आपको देना है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन वे फंक्शन होते जो स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करते पाथ ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ फंक्शन वे फंक्शन होते जो पाथ ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करते किस पर, पाथ फंक्शन पर। नेक्स्ट में दिया गया आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड एक्सप्लेनेशन। जीरोथ लॉ क्या होता है उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी करना था। देखो जीरोथ लॉ में बताया गया था कि यदि आप कोई दो सिस्टम को इक्विलिब्रियम करते हैं तो आपस में जो तीसरा सिस्टम होगा वह ऑलवेज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इसका जो इस प्रकार से आने यदि हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या होता है, सिस्टम ए इज इक्विलिब्रियम किसके साथ, सिस्टम बी और आपस में जो होगा और सिस्टम सी के साथ क्या होगा, सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आपस में जो होगा वह सिस्टम यानी जब सिस्टम ए और बी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, सिस्टम सी भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। खैर हम इसको साफ कर देते हैं, कहाँ गया साफ करने वाला, और चलो इसको काम में लगा दिए। अब देखते हैं अगला में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड इट्स फीचर्स। इंटरनल एनर्जी पर आपको भी डिफाइन करना, इंटरनल एनर्जी क्या होता है यदि हम किसी मॉलिक्यूल एटम का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी आ जाता है, वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, किसमें, किसी भी मॉलिक्यूल में। उसका भी फीचर्स आपको डिफाइन करना है, उसका फीचर्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड प्रूफ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कुछ नहीं है, आप बदलेंगे कि सिर्फ कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है वह डिपेंड किस पर करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टोर्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, वही बताते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक उसी को बताता है एंड इसको क्या करना है, प्रूव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेली। इस पर भी आपको अच्छी तरह से डिफाइन करना है कि डेल एच और डेली जो होता है वह क्या होता है यानी उसका रिलेशन आपको दर्शाना है डेल एच एंड डेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया रिलेशन बिटवीन सी पी सी बी यानी सी पी माइनस सी बी बराबर जो आर होता है उसका रिलेशन आपको क्या करना है, इसमें डिफाइन करना है यानी रिलेशन को क्या करना है, प्रूव करना है कि सी पी माइनस सी बी जो होता है बराबर आर होता है वह क्या होता है, रिलेशन दर्शाना है। अगला मैं पूछा कि कार्नोट्स हीट इंजन एंड कार्नोट्स साइकिल। कार्नोट्स हीट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल्स क्या होता है। आपको इसमें यह क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कार्नोट थ्योरम क्या होता है,
मिला जुला के सब एक ही हुआ, समझा। तो आप सब इस क्वेश्चन को भी लिख सकते। अब आ गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड एप्लीकेशन। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपको पढ़ना था, पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संभव किया भी जाएगा। क्या करना है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने इसलिए नहीं बोला, यदि आप सब हो सकता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को क्या कर सकते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में बताया गया था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में बताया था कि एनर्जी का डायरेक्शन जो होगा वह किधर से किस दिशा में होगा, उसमें बताया नहीं गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में डायरेक्शन बताने के लिए आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज़ किया गया। लास्ट में दिया गया हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, यानी इस पर भी आपको अच्छी तरह से डिस्कस करना है कि हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी क्या होता है एंड वर्क फंक्शन क्या होता है। आप सब क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लें, हो सकता है तो आप स्क्रीन शॉट भी मार सकते हो उसमें, ताकि आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ।